हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, जो ये नोटिस आपके सामने, ये फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जो अपने आंसर सेट पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पा रहे और मेल पर अपलोड कर रहे हैं एंड टाइम में। तो देखिए, जब आप मेल पर अपलोड कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने ये बात हमसे बताई है कि हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया है मेल पर कि हमारे आंसर सबमिट हुए या नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सबमिट हुए या नहीं? तो मेल पर किस किस स्टूडेंट को सबमिट करना है? पहली बात ये कि जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट एंड फिफ्थ सेमेस्टर के, जिनके पेपर नवंबर दिसंबर में हुए थे और किसी रीजन से एक पेपर या दो पेपर नहीं दे पाए, तो आपके जो मेल आईडी पर आपको आंसर सेट अपलोड करनी है, ठीक है? तो मेल आईडी भी हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे एंड क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करने का बताएंगे थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के। तो आपको मेल पर करनी है, ईमेल आईडी भी बताई जाएगी। तो देखिए, और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट भी मेल आईडी पर कर रहे हैं क्योंकि उनका जो पोर्टल है, सर्वे की वजह से कभी प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आंसर सीट अपलोड नहीं हो पा रही, तो वो भी मेल कर रहे हैं। जब मेल कर रहे हैं, उनके पास कोई भी कंफर्मेशन मैसेज नहीं आ रहा है। तो इस नोटिस में यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई गई है कि जब आप मेल करेंगे अपनी पीडीएफ को, आंसर सीट को, तो आपके पास कन्फर्मेशन मैसेज कोई भी नहीं सेंड किया जाएगा, ठीक है? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट ने मेल पर सबमिट किया है कि हमारे पास मैसेज नहीं आया, तो क्या सबमिट हुआ या नहीं? तो आपका सबमिट हो गया है, आपके पास प्रूफ है कि आपने मेल पर सबमिट किया है, ठीक है? जो आंसर आपने सबमिट किया उसका प्रूफ तो आपके पास है ही ना, तो उसे संभाल के रखिएगा। और काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि जब आंसर पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं तो फाइनल सबमिट नहीं कर रहे हैं, एक साइड में आइकन आता है एग्री के बाद करके आपको फाइनल सबमिट करना होता है, लेकिन वो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा नहीं कर रहे। तो अब कह रहे कि मैम हमारे आंसर सबमिट हुए या नहीं। देखो, ये ऑटो सबमिट होता है, सबमिट हो गए होंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि फाइनल सबमिट करें। जब आप फाइनल सबमिट करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पर मेल आएगा, मैसेज आएगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन अगर आप फाइनल सबमिट नहीं करते तो आपके पास कोई भी मैसेज या मेल नहीं आएगा कंफर्मेशन का, तो ये आपको बाद में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसीलिए कह रहे हैं फाइनल सबमिट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? जो भी स्टूडेंट ने ईमेल आईडी पर किया उनके पास कोई भी मैसेज नहीं आएगा, ओनली पोर्टल वाले स्टूडेंट का ही मैसेज आएगा। और जो ईमेल आईडी की टाइमिंग क्या है, तो जो मॉर्निंग की टाइमिंग है 2:30 से 3 बजे तक, ठीक है, आधे घंटे की टाइमिंग है। काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं कि उनके पेपर 1 बजे 2 बजे कंप्लीट हो जा रहा है तो पोर्टल नहीं चल रहा है, तो उन्होंने 1 या 2 बजे ही मेल कर दिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको मेल भी करना है, ठीक है? 2:30 से 3 बजे के बीच में ही मेल कीजिएगा, ना उससे पहले करना है ना उसके बाद में करना है। अगर पहले करेंगे तो चल भी जाएगा, लेकिन बाद में करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स आना मुश्किल है। और जो इवनिंग वाले की टाइमिंग होगी, वो आधे घंटे की, वो भी टाइमिंग है 7:30 से 8 बजे तक की टाइमिंग है, आधे घंटे की, ठीक है? तो इसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर अपलोड करने हैं, ना इससे पहले कीजिएगा ना इससे बाद। 7:30 बजे तक आपको कोशिश करना है कि आप पोर्टल पर आंसर अपलोड करें। जो ईमेल पर आंसर अपलोड तो करें, उनके रिजल्ट भी लेट आएंगे, ये बात का भी याद रखिएगा। जिन स्टूडेंट ने पोर्टल पर आंसर अपलोड किया उनसे लेट आएंगे आपके रिजल्ट, जो मेल पर कर रहे हैं, ठीक है? एंड थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर को क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और ईमेल आईडी पर सेंड करना देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को पोर्टल लॉगिन नहीं होता है सर्वे की वजह से। तो ये आप देख सकते हैं एसएल ड्यू एसी, इस वेबसाइट पर आपको आना है एसएल की। फिर इसके बाद जब आप ये नीचे करेंगे क्लिक हेयर, मतलब टुडे, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी कर लेंगे एंड ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगी। एंड अगर आपको ईमेल आईडी की लिस्ट चाहिए तो ये कोर्स बाई ये है, तो आप इसको भी डाउनलोड करके लिख सकते हैं। लेकिन जब आपका टुडे पेपर होगा जिस दिन, उसकी ईमेल आईडी यहीं पर मिल जाएगी, इस पर क्लिक कीजिए। तो ये देख सकते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है प्लस ईमेल आईडी और कोर्स सब्जेक्ट सब कुछ लिखा है। आज बीए प्रोग्राम के पेपर थे, जैसे हिंदी बी, तो आपका बीए प्रोग्राम हिंदी बी और प्लस इसके
आगे ईमेल आईडी है एंड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। तो इसी ईमेल आईडी पर आपको आंसर अपलोड करनी है, तो अपने सब्जेक्ट की ईमेल आईडी देख लीजिएगा और मेल कर दीजिएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो देखिए पोर्टल पर आंसर अपलोड करेंगे तो आपको 4 पीडीएफ बनानी है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने ऐसा किया कि पेज में आंसर अपलोड किया, तो पेज वाले स्टूडेंट का पता नहीं वो कन्फर्म होगा या नहीं होगा, उनके आंसर चेक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपको पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करनी है, 4 पीडीएफ बनानी है अलग अलग। अगर आप मेल पर आंसर अपलोड करते हैं तो आप एक भी पीडीएफ बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन पोर्टल वाले 4 पीडीएफ बनाइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। हमको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको जो हमने दे दी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।